बड़ी खबर लखनऊ से, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे जीडीएस सभागार। मुख्यमंत्री यहां पर बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, सांसद विधायक के साथ बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज यहां पर वो लोगों जनता दरबार लगाकर उन्होंने लोगों की ना केवल समस्याएं सुनी बल्कि जीडीएस सभागार सांसद और विधायकों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। ब्यूरो हेड अकील सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अकील जी, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है, जनता दरबार भी लगाया, लोगों की समस्याएं भी सुनी, अब अधिकारियों और सांसद विधायकों के साथ चर्चा। अकील जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पे हैं। अगर गोरखपुर के दौरे की बात करें तो आज वो सबसे पहले जो देखा जाए तो दौरे के बाद जीडीए सभागार में उन्होंने सांसद और विधायकों से बैठक की है। अब बैठक उनकी चल रही है अभी, उसमें वहाँ के संगठन के लोग से वो बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 19 का चुनाव करीब है, चुनाव वहाँ खुद बीजेपी हारी है तो उसको लेकर अब संगठन मजबूत करने का काम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उससे पहले की अगर हम बात करें तो सुबह गोरखपुर भ्रमण के दौरान उन्होंने जनता की समस्या भी सुनी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि बैठक जो चल रही है उस बैठक को अगर देखा जाए गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक दे रहे हैं और लखनऊ में भी मुख्यालय पे भी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री कोई भी अपोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि 19 के चुनाव में अगर दोबारा ऐसी दिक्कतें, अगर दिक्कत हुई सीट नहीं आती है यूपी से तो कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता तय करना मुश्किल होगा, तो उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के दौरे पे हर गंभीरता से लेते हुए कई विधायक और सांसदों की बैठक ले रहे हैं। बिल्कुल, और अखिल जी क्या मानना चाहे कि ये जो जिस तरह से बैठकों का जो मैराथन दौर शुरू हो गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगे, बैठक लेंगे, चर्चा की जाएगी, तो प्रदेश में जिस तरह से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी चर्चा की जाएगी, और किस तरह से मतलब आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 2019 में कैसे पुनः सरकार में आना है, सत्ता में वापसी करना है केंद्र की, तो उसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, तो इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश अभी योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए जाएंगे? लेकिन सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर ही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, ऐसा नहीं कि चर्चा का विषय चलता रहता है कि पीएम उनसे नाराज हैं या हटा दिए जाएंगे ये, लेकिन आपको अंदर की बात बताएं कि निश्चित तौर पे पूरा दारोमदार 19 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है और देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। ऐसे में अगर सीटें कम होती है उत्तर प्रदेश से तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए खतरे का निशान होगा। निश्चित तौर पे दिशा निर्देश, पूरी जिम्मेदारी, पूरा भरोसा पीएम मोदी ने खुद और पार्टी ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भरोसा रखा है और खुद उन्होंने कमान संभाली है संगठन के साथ साथ, उनका उनकी खुद की एक संगठन है हिंदू वाहिनी जिसका खुद भी वोट एक बैंक है, तो उसको लेकर भी वो गंभीरता से ले रहे हैं कि कोई भी कार्यकर्ता नाराज ना हो, किसी की नाराजगी तो खुद वो शनिवार और इतवार के दिन दो दिन गोरखपुर दौरे पे रहते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं, प्रसन्नी मठ में मिलते हैं, कोई दिक्कत अगर होती है कार्यकर्ताओं के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को तो उसकी समस्याओं को हल करते हैं जनता की समस्या के साथ साथ। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 के चुनाव के लेकर पूरी तरीके से अब विधायक और सांसदों की बैठक कर रहे हैं, इससे ये तस्वीर साफ है कि उस मंडल के जो भी विधायक, पूर्वांचल एक बड़ा राज्य है, राज्य का सबसे बड़ा एरिया है पूर्वांचल, पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो बड़े अगर दिल्ली के केंद्रीय मंत्री का नेतृत्व तय होता है पूर्वांचल पे, तो इसलिए वो उन्होंने पूरी तरीके से बात को भी गंभीरता से लिया और सांसद और विधायक की जो दूरियां हुई है बीच में कई बार ऐसे दिखाते आई कि विधायक सांसद से नाराज है, सांसद विधायक से नाराज है, मुख्यमंत्री से लोग नाराज है, तो उसको लेकर आज उस चीज उस तस्वीर को साफ कर रहे हैं और सभी सहमति दे रहे हैं। तो क्या लगता है अखिल जी, इस बैठक के जरिए जो तमाम नाराजगियां विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के बीच में है वो पाट पाएंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए ये तो जरूरी है, पार्टी नहीं पड़ेगा, अगर नहीं पाटते हैं तो 19 में चुनाव है, 19 को लेकर अगर ये ऐसी दूरी ऐसी कमियां को दूर नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर हम मुख्यालय की बात कर ले, मुख्यालय पे खुद बैठक चल रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक और सांसद की ले रहे हैं, इधर संगठन मंत्री के साथ साथ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं मुख्यालय पे, तो आप खुद ही तस्वीर देखिए कि एक तरफ गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री ने तस्वीर कमान संभाल के रखी है। खबर में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो हम अपने दर्शकों को चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं जो इस वक्त मिल रही है हमें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले गोरखपुर भ्रमण के दौरान जनता की समस्याएं सुनी तो वहीं मौके पर अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा है, जनता से यहां पर मुखातिब हुए हैं मुख्यमंत्री। अकील सिद्दीकी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर।
गोरखपुर के दौरे के दौरान अकील जी जनता से भी मुखातिब हुए हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए हैं। कितने मुतमईन यहाँ की जनता नजर आई जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को अपने पास पाया? देखिए, लखनऊ में मुख्यमंत्री बैठते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं, नहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को जब गोरखपुर के एरिया के पूर्वांचल के लोगों को आने में दिक्कत होती थी तो उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि गोरखपुर के लोग, उधर के आसपास के लोग मुझसे खुद शनिवार और इतवार को गोरखपुर में ही मिल सकते हैं, मेरे मठ में, मैं वहां खुद बैठूंगा। निश्चित तौर पर तस्वीर देखिए कि सबका साथ सबका विकास भी छलक रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी समस्या लाइन से वो सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर सुबह वो पहले ही जनता दरबार लगाया और जितनी भी समस्याएं वहां की जनता की थी उसको सुना, तत्काल प्रभाव से वहां के आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत कार्रवाई करें, जो भी समस्याएं उसको दूर करें। बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास।